हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देर इज़ अ लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। ये जो नोटिफिकेशन आया है वो कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी से आया है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि NCSM द्वारा 5% कम हुआ है जो क्वालिफाइंग परसेंटेज था, और उसके रिगार्डिंग ही कर्नाटक में स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो रहा है जो ऑनलाइन होगा, और उसके लिए शेड्यूल भी दिया गया है। और इसके लिए जो भी क्राइटेरिया है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहला पॉइंट है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो होगा जो भी कैंडिडेट्स का जो लोअरिंग ऑफ क्वालिफाइंग परसेंटाइल हुआ था नीट के लिए, जो UG आयुष कैंडिडेट्स के लिए था। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर जो NCSM दैट इज़ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो नोटिस दिया था 10th of November को, रिगार्डिंग था कि लोअर्ड कट ऑफ परसेंटेज बाय 5% जो ऑल कैटेगरीज था जो UG नीट के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू UG आयुष कोर्सेस, जो कोर्सेस आयुर्वेदा यूनानी और होम्योपैथी के लिए था। जो इस वजह से जो कर्नाटका काउंसलिंग का KEA है वो रजिस्ट्रेशन ओपन करेगा, वो ऑनलाइन रहेगा। और जो कैंडिडेट्स UG आयुष के लिए एलिजिबल है, जो लोअरिंग जो लो हुआ था क्वालिफाइंग परसेंटेज, जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा वो ओपन रहेगा। और पेमेंट पे फीस भी पेमेंट करने के लिए डेट दिया गया है, वो होगा आज दैट इज़ 11th of November से 14th of November तक बिफोर 11:59 PM। और जो भी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करेगा वो एलिजिबल होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए, वो भी होगा UG आयुष। और यहाँ पे दिया है जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है वो लोग जो फीस रहेगा उसको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में KEA बेंगलुरु में डिपॉजिट करना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स डिपॉजिट करते हैं उनके लिए जो ऑप्शन एंट्री पोर्टल रहेगा वो ओपन रहेगा। और जो कैंडिडेट्स अगर सीट नहीं मिला तो जो भी डिमांड ड्राफ्ट सबमिट किए रहेंगे वो रिटर्न किया जाएगा। और यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है जो भी कैंडिडेट्स नॉन कर्नाटका है अगर उन्होंने न्यूली रजिस्ट्रेशन किया है तो उनके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए वो उनके साथ साथ फीस जो डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में KEA बेंगलुरु में सबमिशन करने के लिए जाना होगा, और वहाँ पे ही वेरिफिकेशन स्लिप दिया जाएगा और जो नॉन कर्नाटक कैंडिडेट से, और जो भी फीस होगा वो सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके लिए डेट दिया गया है 16th of November फ्रॉम 10 AM टू 1 PM। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी वेरिफिकेशन स्लिप होल्ड किए हैं उनके लिए जो फीस रहेगा फीस का डिमांड ड्राफ्ट वो KEA बेंगलुरु को सबमिट करना होगा, वो भी ऑल सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और तभी ये जो वेरिफिकेशन स्लिप होल्डर से वो एलिजिबल हो सकेंगे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और इसके लिए डेट है 16th of November फ्रॉम 11:30 AM टू 2 PM। और जो भी कैंडिडेट्स इन सभी को करते हैं यानी जो भी एलिजिबिलिटी है फीस वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स करने के बाद एलिजिबल होते हैं उनके लिए सिर्फ फ्रेश ऑप्शन एंट्री वो ओपन रहेगा, और वो होगा 16th of November 4 PM के बाद और 17 November 8 AM तक रहेगा। और इसका रिजल्ट जो पब्लिकेशन ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड रिजल्ट वो रहेगा आफ्टर 2 PM ऑन 17th of November। और जो DD रहेगा दैट इज़ डिमांड ड्राफ्ट जो फीस रहेगा उसके लिए जो कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे एडवाइस दिया गया है, जो उन्हों को सीट मैट्रिक्स और फीस स्ट्रक्चर जो KEA वेबसाइट पे आएगा उसको एक बार देखने का है। और जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है इस स्टे वैकेंसी राउंड में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट रहेगा वो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KEA उनको रहेगा, वो भी पेएबल एट बेंगलोर में रहेगा। और जो भी कैंडिडेट्स
गवर्नमेंट सीट के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो डीडी रहेगा डिमांड ड्राफ्ट वो 25,750 और 75,750 जो यहाँ पे है 75,750 उसको डिवाइड किया गया है 25,750 प्लस 50,000 और टू जो भी गवर्नमेंट सीट्स के लिए ये 25,750 रुपीज़ रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज और 75,750 विल बी इन गवर्नमेंट सीट इन प्राइवेट कॉलेजेस और जो कैंडिडेट्स डीडी डिमांड ड्राफ्ट रहेगा 2,50,750 इसको भी स्प्लिट किया गया है 25,750 प्लस 50,000 प्लस 1,75,000 ये जो कैंडिडेट्स इतना फीस भरता है वो एलिजिबल रहेगा गवर्नमेंट सीट प्राइवेट सीट के लिए और जो स्टूडेंट 4,750 रुपीज़ पे करेगा डीडी वो गवर्नमेंट प्राइवेट और अदर सीट्स के लिए एलिजिबल रहेगा और जो स्टूडेंट 6,750 डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट करेगा वो रहेगा एनआरआई सीट के लिए एलिजिबल और जो भी कैंडिडेट्स है वो डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी डिमांड ड्राफ्ट एडवांस ही लाना होगा जो बैंक बैंक चालू बैंक हॉलीडेज के रिमाइंड करके हुए और जो कैंडिडेट्स मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट्स ला सकते हैं जो इक्वल रहेगा जो सीट्स ज्वाइन करना चाहते हैं और जो कैंडिडेट्स शुड ब्रिंग ऑल्सो ब्रिंग द वेरीफिकेशन स्लिप ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे एलिजिबिलिटी के लिए और किसी को काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू